हेलो एवरीवन, आप सभी को करन अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 11 पार्ट वाइज देख रहे हैं, जिसमें से अब तक 6 वीडियो बन चुके हैं, 6 पार्ट बनाया गया है। अब ये पार्ट जो है ये 7 पार्ट होगी, और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे पार्श्वक्रम में संयोजित प्रतिरोधक। इससे पहले वाला में हम सरणीक्रम में संयोजित कैसे होता है उसको प्रूव करके दिखाया, और वो जो क्वेश्चन आते हैं वही वाला करके दिखा। और इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आपको नोट्स बनाना है। नोट मैंने आपको तैयार करके रखा आपके लिए, इस नोट्स को आपको लिखना है, बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम एनसीईआरटी को देखेंगे, उस एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझेंगे, उसके बाद इसमें आएंगे तो पूरा डिटेल से इस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज हमको मिल जाएगा। यदि आप हमारे बाकी जो वीडियो बने हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, आप 1 से लेकर 6 नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर पहले देखो, फिर इसमें आओ तो आपको मजा आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे पहले एनसीईआरटी, फिर प्रूफ करेंगे, तक वीडियो में बने रहना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पे दिखाया गया कि पार्श्वक्रम में संयोजित प्रतिरोधक कैसे जोड़ा जाता है। आइए अब चित्र 11.7 में दिखाए गए अनुसार जोड़े गए सेलों की संयोजन से पार्श्वक्रम संयोजन 3 प्रतिरोधों का व्यवस्था का विचार करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक आपको फिगर दिखाया गया, जो चित्र आप देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पे, यह कैसा संयोजन है? पार्श्वक्रम संयोजन। मैं आपको समझाता हूँ पार्श्वक्रम संयोजन कैसे होते हैं। देखिए, यहाँ पे 3 प्रतिरोध लिया गया, एक R1, एक R2, एक R3। इस प्रतिरोध का देखोगे ये एक सिरा यहाँ है, ठीक है, ये जो सिरा देख पा रहे हैं एक सिरा यहाँ है, और दूसरा सिरा उस प्रतिरोध का इस वाई पॉइंट पे है। उसी प्रकार ये R2 का पहला सिरा इस एक्स पॉइंट पे है और दूसरा सिरा वाई पॉइंट पे है, और R3 का अगर आप देखोगे तो भी पहला सिरा एक्स पॉइंट पे है और वाई सिरा ये पर। मतलब अगर आप प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में संयोजित करेंगे किसी उपकरण में या किसी यंत्र में, तो कैसे किया जाता है कि सभी प्रतिरोधों का एक सिरा, पहला सिरा एक बिंदु पर लाके जोड़ दिया जाता है, और उन सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जोड़ देकर उसमें परिपथ बनाया जाता है। इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन कहा जाता है। हम लोग इसका डेफिनेशन भी लिखे हुए नोट्स में, आप उसको जरूर देखना आगे में। ठीक है, चलिए समझते हैं। ये इस डायग्राम में एक कुंजी लगाया गया, जिसमें से आप देख सकते हो के कुंजी से हम लोग यह करते हैं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं स्विच। एक एमिटर लगाया गया, दोनों को सरणीक्रम में जोड़ा गया, क्योंकि हम जानते हैं कभी भी हम ए को यानी एमिटर को जोड़ते हैं किसी परिपथ में तो सरणीक्रम में ही जोड़ा जाता है। और यहाँ पर बैटरी लगाया गया है, क्योंकि बहुत सारे सेलों को जोड़ा गया, हम जानते हैं अगर बहुत सारे सेल को जोड़ दिया जाता है तो बैटरी बन जाता है, तो इससे अगर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आइए हम आगे समझते हैं आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। अगर हम प्रैक्टिकली देखना चाहेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आ रहा, सबसे पहले इस क्रियाकलाप को हम समझेंगे और उन इम्पॉर्टेंट बात को नोट करेंगे, क्योंकि वो हमारे काम के हैं। ठीक है, जैसे कि हमने वहाँ पर दिखाया कि ये प्लग जो है ना वो कुंजी में लगाया है, और एमिटर को पाठ्यक्रम को नोट कीजिए। सबसे पहले बोला कि कुंजी को आप ऑन करिए, स्विच को ऑन करने के बाद जो भी एमिटर में वैल्यू आएगा उस वैल्यू को एक बार आप नोट करिए। मान लीजिए विद्युत धारा का मान आई है, और आप इस एमिटर में आपको पाया, मान लीजिए विद्युत धारा आई है, आई कुछ भी हो सकता है, 10 मीटर 2 एमिटर 5 एमिटर कुछ भी होगा, आपने मेजर करा, मान लेते आपने मेजर करा 5 एम्पियर। ओके, मैं ऐसा मान लेता। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी नोट कीजिए, और अब वोल्टेज का भी माप लीजिए, अब मैंने बोला कि 10 वोल्ट। ओके, इससे पार्श्व संयोजन के सिरों के बीच विभवांतर भी प्राप्त होता है। तो उसमें जो भी हमें भी ना उन दोनों सिरों के बीच में जितने सारे प्रतिरोध को जोड़ा गया वो भी होता है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ 11.11 में। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध को सिरों के बीच विभवांतर भी है, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस R1 से भी ही है, मतलब 10 वोल्ट ही मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें भी आपको क्या मिलेगा, 10 वोल्ट ही मिलेगा, और तीसरा में भी आपको 10 वोल्ट ही मिलेगा। तो यहाँ सर एक इम्पॉर्टेंट बात निकल कर ये आ रहा भाई कि अगर आपको पार्श्वक्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो विभवांतर क्या होता, समान होता सभी में। ये इम्पोर्टेंट बात है, जो कि हम लोग पढ़े सरणीक्रम में विभवांतर विभक्त हो जाता है, जितने सारे हमारा क्या होंगे उसमें जुड़े रहेंगे प्रतिरोध, उनमें से विभक्त हो जाएंगे। अगर समान है तो समान बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा पूरे जितने वोल्ट है, यदि अलग अलग है तो प्रतिरोध पे डिपेंड करेगा कितना वोल्ट किस में जाएगा। यहाँ पर बात निकल कर आया कि भी जो है ना वो समान होगा, यही इंपॉर्टेंट नोट्स है।
अब आगे कहा गया इसकी जांच प्रत्येक प्रतिरोध सिरों के पर पृथक पृथक वोल्टमीटर संयुक्त करके की जा सकती है। इसकी जांच आप कर सकते हो, यहाँ वोल्टमीटर लगाया कहा गया, दूसरे आप इस पे लगाइए, उसके बाद इसमें लगाइए, तो तीनों पे देखने को मिलेगा समान। अगर मान लीजिए 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट ही मिलेगा। कुंजी से प्लग बाहर निकालिए, अब हम बाहर निकाल देते, कुंजी हटा देते, परिपथ एमीटर वोल्टमीटर निकाल दीजिए। चित्र 11.11 में ये जो दिखाया गया है अनुसार एमीटर का प्रतिरोध R1 में श्रेणीक्रम में संयोजित किए और इसके पाठ्यांक को नोट कीजिए। इससे आपको जो मिलेगा भाई वो क्या मिलेगा, यहाँ पर यह पाया जाता है कि कुल विद्युत धारा I संयोजन के प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाले पृथक धाराओं के योग के बराबर होगा। यानी यहाँ पे जो R1 है, R2 और R3 तीन प्रतिरोध है, ये जितने सारे I जाएगा कुल मिलाकर जितना I जाएगा वो विभक्त हो जाएगा। इसमें मान लेते हैं I1 होगी, इसमें मान लेते हैं I2 होगी और इसमें I3 होगी। ये I जितना इस प्रतिपथ में कुल प्रतिरोध जो विद्युत धारा जाएगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगी। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पार्श्वक्रम संयोजन में एक और बात निकल कर आ रहा है, पार्श्वक्रम संयोजन में विद्युत धारा, क्या कह रहे हैं हम, विद्युत धारा I, क्या विद्युत धारा I विभक्त हो जाती है, क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, ये याद रखना। लेकिन यहाँ पर हमारा विद्युत विभांतर समान होती है, जो कि उल्टा आप अगर श्रेणीक्रम में देखेंगे तो वहां पर विभांतर विभक्त हो जाती है और विद्युत धारा समान रहती है सभी प्रतिरोधों से। ठीक है, यहाँ पर हमारा अगर मान I है तो सभी को जोड़ेंगे तो कुल विद्युत धारा प्रवाहित जो परिपथ में हो रहे हैं उसके बराबर हो जाएगा। अगर ओम का नियम लेते हैं तो हम यहाँ प्रूफ आगे करेंगे बहुत सॉलिड तरीके से, यहाँ जो बुक में लिखा उसको मैं डिटेल समझा देता हूँ। ओम का नियम से अगर I करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, हम जानते हैं V बाई R है ना, और टोटल R यहाँ पे हम R क्यू मतलब जो समतुल्य प्रतिरोध, जितने सारे प्रतिरोधों को जोग करने पर पार्श्वक्रम में वो समतुल्य प्रतिरोध के बराबर होंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर अलग अलग आप निकालोगे ओम का नियम से हिसाब से तो I1 इक्वल टू V बाई R1 होगी, और I2 अगर निकालेंगे तो क्या होगा, भी तो समान है, R2 में भी उतना ही भेजेगा लेकिन रेसिस्टेंस हमारे बदल जाएगी, विद्युत धाराएं बदल जाएगी, तो 3 इक्वल देखेंगे तो V/R3 होगी। ये देख लो तीन प्रतिरोध हो गया। अब इन तीनों प्रतिरोधों को अगर हम जोड़ दिया जाए, इन तीनों सॉरी विद्युत धाराओं को जोड़ दिया जाए तो हमें I के बराबर होगी। तो हमें ये निष्कर्ष निकल कर आती है, हमें यह निष्कर्ष निकल कर आते हैं कि पार्श्वक्रम में संयुक्त प्रतिरोध समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक व्युत्क्रम के योग के बराबर होते हैं। अब आइए हम नोट्स में पूरा क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहा जाता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। बोला कि जब तीनों, क्योंकि मैं तीन प्रतिरोध लिया है और आप सर आप भी अगर बनाओगे ना प्रूफ करने के लिए आया तो आप ऐसा ही करना। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहाँ पे पूछा जाता है कि पार्श्वक्रम संयोजन से आप क्या समझते, इससे तीन प्रतिरोधों का संयोजन करके आप दिखाइए, है ना, या तो सत्यापित करें तीनों प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या बोलेंगे, तीन प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा जैसे मैंने आपको यहाँ पे दर्शाया गया इस स्क्रीन में, जैसे आप देख पा रहे हो। सबसे पहला पार्श्वक्रम संयोजन लिखेंगे, उसके बाद जो इसका डेफिनेशन है, जब तीनों प्रतिरोधकों के प्रथम सिरे, यहाँ का प्रथम सिरा ये है, सबको यहाँ पे हम एक्स से जोड़ दिए, सिरों को एक बिंदु पर एक्स पर एवं दूसरे सिरों को, जितने सारे प्रतिरोध उनके दूसरे सिरों को एक बिंदु पर ये वाई पर जोड़कर परिपथ को पूरा किया जाता है, तब इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन कहा जाता है। उसके बाद आप डायग्राम को बनाएंगे, जैसे एज इट इज मैंने इसे डायग्राम को बनाया है, उसके बाद इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा आपको वर्णन करना पड़ेगा अपने भाषा में। तो मैंने यहाँ पे ज्यादा बड़ा चढ़ा के लिखा नहीं, आप भी ऐसे कोशिश करना छोटा लिखने की। मतलब प्रतिपथ में तीन प्रतिरोधों R1, R2 और R3 को पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है। अपने जो तीन प्रतिरोधों लिया है इस डायग्राम में, उन तीनों को पार्श्वक्रम में संयोजित किया गया और उनका समतुल्य प्रतिरोध आपने मान लिया RQ है, तब समतुल्य प्रतिरोध अगर ज्ञात करनी है आप आइए ऐसे करके प्रूफ करो जो मैं अभी लिख रहा हूं। तो हम जानते हैं ये वाला पॉइंट तो आप पहले याद रख लो कि हमारा I ना वो विभक्त हो जाता, I कुल मिलाकर I1 प्लस क्या हो जाएगा I2 प्लस I3, ये जो तीनों प्रतिरोधों से अलग अलग यहाँ पे विद्युत धाराएं प्रवाहित होगी वो कुल प्रतिरोध के बराबर होगी। भी सभी प्रतिरोध में समान होगी, सभी प्रतिरोध में समान होगी। यदि आप ओम का नियम से, यहाँ पे क्या लिखोगे आप,
ओम का नियम से, ठीक है, जैसा मैं लिख रहा हूं ऐसे ही नोट बनाओगे, ओम का नियम से, ठीक है। ओम का नियम से आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो कि भी इक्वल टू आई आर होता भाई मेरा। यदि यहां से आप आई निकालोगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएंगे, क्या होंगे हमारा, भी बाई आर। ओके, उसी प्रकार अगर हम अगर विद्युत धारा देखेंगे कि प्रतिरोध आर से लेकर क्या होगी, आई करंट प्रवाहित होगी, यानी विद्युत धारा आई प्रवाहित होगी, तो आई बराबर भी, क्योंकि भी समान है, बाई आर वन, क्योंकि पहला वाला होगा। दूसरे पर क्या होगा, दूसरे प्रतिरोध भी प्रतिरोध आई टू जाएगी, तो वो क्या होगी, भी बाई आर टू, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे आप क्या करोगे, आई थ्री इक्वल टू आप निकालोगे भी बाई आर थ्री। अगर इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आई इक्वल टू क्या होता है हमारा, अभी पढ़े हम, भी बाई आर। ओके, चलो अब मैं क्या कर लेता हूं, आई को बोला कि तीनों प्रतिरोधों से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के योग के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई को क्या लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं हम लोग आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इक्वल टू जो हमारा वी बाई आर है। यदि आप आई वन का मान यहां से पुट करते हैं तो आपको मिलेगा भी बाई आर वन प्लस भी बाई आर टू, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, भी बाई आर थ्री। ओके, इक्वल टू भी बाई आर होगी। यदि आप इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी समान है तो भी को आप कॉमन ले लेंगे, तो मुझे मिलेगा एक बटा आर वन प्लस एक बटा आर टू प्लस एक बटा आर थ्री, है ना, बराबर भी बाई आर के। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी और ये भी कट जाएगा। जब ये भी और ये भी काट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बटा आर वन प्लस एक बटा आर टू प्लस एक बटा आर थ्री इक्वल टू एक बटा आर। ये जो R है ना, यही हमारा समतुल्य प्रतिरोध आर क्यू मान लेंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जब पार्श्वक्रम में जोड़ा जाता है किसी भी प्रतिरोधों का, तो सिंपल उन प्रतिरोधों का व्युत्क्रम करके योग कर दिया जाता है, तो हमें पार्श्वक्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध प्राप्त होती है। इस प्रकार हम ये फॉर्मूला बना के रखेंगे, आगे जब न्यूमेरिकल बनाएंगे, वन बाई आर क्यू इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। ओके, यही हमारा है समतुल्य प्रतिरोध पार्श्वक्रम में। तो आपको इस तरह से प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बारे में बताएंगे, और उनके बाद ये आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल में बने रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए, और बहुत इंपॉर्टेंट और गहरा नॉलेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हमारे वीडियोस पूरे ए टू जेड देख लेंगे तो आपको भाई एकदम अच्छे मार्क्स, 95% तो कम नहीं होगी साइंस में, ये मैं आपको वादा करता हूँ। बाकी सारे भी आपको आ रहे हैं, जैसे SST के आ रहे हैं, इसके बाद मैथ्स के आएंगे, सारे को हम आपको सॉल्व करके इस वीडियो में अब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ठीक है।